अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, जन्नती मर्द और औरतें कैसी होंगी, जन्नती मर्दों और औरतों के जिस्म पर कौन कौन से बाल होंगे और जन्नती मर्दों और औरतों को अल्लाह तबारक व तआला किस कदर हुसन अता करेगा और जन्नती मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला कितनी कुव्वत जिमा अता फरमाएगा और जन्नती मर्द और जन्नती औरतों का कद कितना होगा और इस दुनिया के अंदर हमारा दिमाग कितने फ़ीसद काम कर रहा है और जन्नत के अंदर हमारा दिमाग कितने फ़ीसद काम करेगा, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर इसी हवाले से मालूमात कुरान व हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहदा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, अहले जन्नत का कद हज़रत आदम अलैहि सलाम के कद के बराबर यानी कि 60 ज़रा होगा, क्योंकि हज़रत आदम अलैहि सलाम का कद 60 ज़रा लम्बा था और 7 ज़रा चौड़ा था, तो जन्नत में हमारा कद भी 60 ज़रा लंबा और 7 ज़रा चौड़ा होगा। इंशाअल्लाह मर्द का भी और औरत का भी एक ज़रा तकरीबन 25.6 इंच का होता है, तो जन्नत में हमारा कद तकरीबन 128 फीट लंबा और तकरीबन 15 फीट चौड़ा होगा और अहले जन्नत के जिस्म पर बाल नहीं होंगे, उनके चेहरों पर दाढ़ी और मूंछ भी नहीं होगी, सिर्फ सर के बाल और बहों के और पलकों के बाल होंगे और उनकी आँखें सुरमंगी होंगी। अहले जन्नत जन्नत में खाएंगे और पिएंगे, लेकिन ना थूकेंगे और ना पेशाब करेंगे और ना ही पखाना करेंगे और ना नाक सिंकेंगे। एक डिकार आएगा और मुशक की तरह खुशबूदार पसीना आएगा और मर्द औरत दोनों को खाना हजम हो जाएगा। जन्नती जन्नत में जीमा भी करेंगे, लेकिन मर्द या औरत के मनी हरगिज़ नहीं निकलेगी, बल्कि मुशक की तरह खुशबूदार पसीना आएगा और इससे जनावत निकल जाएगी। जन्नत में एक मर्द को खाने पीने जिमा और शहवत में 100 मर्दों जितनी ताकत अदा की जाएगी और जन्नत में हमारी उम्र 30 साल होगी और फिर मजीद कभी नहीं बढ़ेगी और ये 30 साल कमरी होंगे। अगर इन्हें सूरज के साल में तब्दील किया जाए तो ये 29 साल एक माह और 7 से 10 दिन की उम्र बनती है। इस उम्र में तो आदमी बिल्कुल जवान होता है और एक हदीस का मफहूम है कि अगर कोई दौरान पैदाश मर जाए या बूढ़ा होकर मरे तो वो कयामत के दिन 30 साल का उठाया जाएगा। फिर अगर वो अहले जन्नत में से होगा तो वो हज़रत आदम अलैहि सलाम के बनावट पर होगा और हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम की सूरत पर होगा और हज़रत अय्यूब अलैहि सलाम के दिल पर होगा। और अगर वो अहले जहन्नम में से होगा तो इसका जिस्म बड़ा कर दिया जाएगा और फैला दिया जाएगा जिस तरह से पहाड़ होता है। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर है और जब जन्नत में रात होगी तो अंधेरा नहीं होगा बल्कि पर्दे गिरा दिए जाएंगे जिससे जन्नतियों को पता चल जाएगा कि अब रात हो गई है। जन्नत में सूरज नहीं होगा बल्कि अरश से एक नूर निकलेगा जिससे जन्नत में रोशनी होगी। जन्नत में नींद नहीं
और जन्नत में थकावट भी नहीं होगी। सबसे अदना जन्नती को अल्लाह तबारक व तआला 80,000 नौकर और 72 बीवियां अदा फरमाएगा। सबसे अदना जन्नती भी अपनी नेमतों बगाद तख्तों और बीवियों को 1,000 बरस की मुसाफत से देखेगा और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा इकराम वाला वो होगा जो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला के चेहरे की तरफ देखेगा। और एक हदीस का मफहूम है कि अगर जन्नत की हूर जमीन की तरफ झांक ले तो हूर और जमीन के दरमियान हर चीज रोशन हो जाए, यानी सातों आसमान भी रोशन हो जाए और जमीन भी। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है कि दुनिया की ईमान वाली औरत इस जन्नत की हूर से जिसका अभी तज़किरा किया गया इसे 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और अहदीस में आता है कि जन्नत की लड़की के सर के बाल सर से चलते हैं और पाँव की एड़ी तक आते हैं, यानी जन्नत की लड़की का कद 128 फीट है तो इसके बाल भी 128 फीट होंगे। जन्नत की हूर जब अपने शौहर की तरफ एक कदम रखेगी तो इसके एक कदम में 1,00,000 नखरे अपने शौहर को दिखाएगी। अहले जन्नत गोरे सफेद रंग वाले होंगे, गुंगरियाले बालों वाले होंगे और सुरमंगी आंखों वाले होंगे। एक जन्नती मर्द एक दिन में 100 कवारी औरतों के पास जाएगा। जन्नत की लड़कियां जिमा के बाद भी कवारी ही रहेंगी। जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ईमान वाली औरतों को हैज से पाक फरमा देगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की औरों को तो पैदा ही इस हालत में फरमाया है कि वो हैज से पाक हैं। अहले जन्नत मर्दों और औरतों दोनों को सब्ज रंग के रेशमी लिबास पहनाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हर जन्नती को 70-70 लिबास पहनाएगा और सारे लिबास एक दूसरे के पीछे से नजर आएंगे और आखिरी जोड़ा जिस्म को छुपाएगा। लेकिन मियां बीवी 70 जोड़ों में से एक दूसरे का पूरा जिस्म हर वक्त देख सकेंगे। अहले जन्नत की जबान अरबी होगी। नाज़रीन मोहतरम, ये बात भी याद रखें कि दुनिया में हमारा दिमाग सिर्फ 4-5% काम करता है और बाकी का 95-96% सोया रहता है। लेकिन जब हम क़यामत के रोज़ दोबारा जिंदा किए जाएंगे तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से हमारा सारा दिमाग खुल चुका होगा, यानी उस वक्त हमारा दिमाग पूरे 100% काम कर रहा होगा। और फिर जब हम इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होंगे तो इस वक्त भी हमारा दिमाग 100% काम कर रहा होगा, यानी जन्नत में हमारा दिमाग इंतहाई तेज होगा। दुनिया में हमारी जिस्मानी ताकत का सिर्फ 1/3 हिस्सा जाग रहा है, बाकी की जिस्मानी ताकत सोई हुई है। लेकिन जन्नत में अल्लाह तबारक बताला की कुदरत से हमारी जिस्मानी ताकत 100% खुल चुकी होगी और हमारी जिस्मानी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। अल्लाह तबारक बताला जन्नत में हर जन्नती मर्द को दुनियावी 100 मर्दों जितनी ताकत अदा फरमाएगा, जिनसी लिहाज से भी और जिस्मानी ताकत के लिहाज से भी। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक बताला का दीदार है। आम जन्नत वालों के लिए जुम्मे के जुम्मा अल्लाह तबारक बताला का दीदार होगा और जन्नतुल फिरदौस वाले रोजाना दिन में 2 दफ़ा अल्लाह तबारक बताला का दीदार करेंगे, एक मरतबा सुबह और एक मरतबा शाम। और कुछ कुछ नसीब ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह तबारक बताला ये आम इजाज़त देगा कि वो जब चाहें अल्लाह तबारक बताला का दीदार कर सकते हैं। चुनाचे हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह तबारक बताला तुम्हें जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा कि जिसके अंदर एक ऐसा दरवाज़ा होगा जिसके हवाले से अल्लाह तबारक बताला तुम्हें ये इजाज़त देगा कि जब भी तुम अल्लाह तबारक बताला का दीदार करना चाहो तो उस दरवाजे को खोल कर अल्लाह तबारक बताला का दीदार कर लो। नाज़रीन मोहतरम, जिस जन्नत का अहले तकवा से वादा किया गया है इसकी कैफियत यह है कि इसमें ऐसे पानी के नहरें हैं जिस पानी के रंगो बो और मज़े में ज़रा तगैयुर न होगा और ऐसे दूध की नहरें हैं जिस दूध का जायका ज़रा न बदला होगा और ऐसी शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए बहुत ही मज़ेदार होंगे और ऐसे शहद की नहरें हैं जो बिल्कुल खालिस और साफ़ो शफाफ होंगे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नगर करते हैं कि बेशक जन्नत में दरिया है पानी का और एक दरिया शहद का और एक दरिया दूध का और एक दरिया शराब का है। फिर इसके बाद इससे नहरें फूटेंगी और दूसरे मकामात की तरफ निकलेंगी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाते हैं कि कौसर जन्नत में एक नहर है, इसके दोनों किनारे सोने के हैं और इसका पानी मोती और याकूत पर बहता है। इसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार और इसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद होगा।
यार दोस्तों ऐसी है अल्लाह तबारक बताला की जन्नत।